हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर शीर्षक क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। सबसे पहले वोकैब करेंगे, फिर एडिटोरियल करेंगे। इसमें आपको बताया जाएगा आखिर सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट होता कौन है, ऑब्जेक्ट होता कौन है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या नहीं लेगा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेगा, फिर पोजीशन है तो उसके बाद क्या कंडीशन आएंगे, कंजंक्शन है तो क्या वर्ड को जोड़ेगा और क्लॉज को जोड़ेगा, अगर क्लॉज को जोड़ेगा तो उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, आर्टिकल के बाद 100% क्या आएगा। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आज कि अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ये चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो आगे बढ़े, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना शेयर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताना, और कोई भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट करके बताना, क्लियर। चलो तो आज बिंदास से पढ़ेंगे। पहला वर्ड है मेरा अंडरमाइन। क्या है अंडरमाइन, मतलब क्या कर देना, उसका वैल्यू को कम कर देना, खराब कर देना, क्लियर। ये है वर्ब। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट दे देंगे, बी सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन दे, बी अंडरमाइन दिस। ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव नेचर का लिया तो ऑब्जेक्ट लेगा, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन, हमेशा नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या दे दिए, प्रोनाउन दे दिए, तो बी अंडरमाइन दिस सेंटेंस बन गया। तो ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन दिए, बी अंडरमाइन या दिस प्लान, दिस प्लान, दिस प्लान, क्लियर। तो आप अपना नाउन रखना है नाउन रखो, ऑब्जेक्ट रखना है तो ये, प्रोनाउन रखना है प्रोनाउन। साइनो होगा सब वर्ड, सब ओटे, थ्रेटन, वीकेन, एंटो हो जाएगा इनहेंस, इंप्रूव और स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑप्टेड, ऑप्टेड के साथ हमेशा याद रखना टू, मतलब चुनना, बी ऑप्टेड टू गोइंग देयर, क्लियर। तो ऑप्टेड टू क्या है, वर्ब, अब ऑप्टेड के साथ क्या लगे, टू। साइनो डिसाइड करना, चूज करना, देखो चूज भी टू है याद रखना, डबल ओ रहता भी वन। फाउंड डिटरमाइंड, एंटो हो जाएगा रिफ्यूज, रिजेक्टेड, डिक्लाइन, अब्सटेन। अगला है ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कैसे बनाओगे, एडजेक्टिव है तो सर ए बी एल ई लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इससे पहले ई जा रहा है वो आज बेहतर दे दो और उसके अनुसार एक सब्जेक्ट दे देना, बन जाएगा, जैसे देखो इट इज ड्यूरेबल, बन गया सेंटेंस। तो छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे, सर इसको बड़ा कैसे कर दो, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दो, इट इज ड्यूरेबल फॉर दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लिए, फिर उसके बाद और जितनी मर्जी है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर कंजंक्शन लगा दो, बहुत बड़ा सेंटेंस बन जाएगा। चलो अगला देखो, साइनो क्या हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग, हार्ड वियरिंग, हैवी ड्यूटी, टफ, एंटो हो जाएगा ये बहुत फिल्मी, फिल्मसी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेलिकेट और ये शॉर्ट लिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इजी मतलब क्या कर देना, आसान कर देना, जैसे मेक समथिंग अनप्लीजेंट, पेनफुल, लेस सीरियस और सीवर, सीवर भी याद रखना, जैसे है रिलीफ, एलिवेट, मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना, एसुएस, एलेस, एले और सूथ, एंटो हो जाएगा एग्रीवेट मतलब बढ़ा देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे, और आपको क्या करना है, अब इस पे सेंटेंस बना देना है, वर्ब है तो। चलो स्पील ओवर मतलब क्या होता है, फैल जाना, फैल जाना, जैसे देख लो कोई चीज़ क्या हो गया, फ्लड की तरह फैल गया, स्पील हो गया, फ्लड, ओवरफ्लो। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब कोई चीज़ टूट जाना, बिखर जाना। गो रॉन्ग, सीज ऑफ, गिव आउट, स्टॉप वर्किंग। रिबॉन्ड, रिबॉन्ड मतलब क्या होगा, पुनः उसको मजबूत करना, अब ये वर्ब है तो सेंटेंस बना दो। फिर क्या है रिवेलिंग, अब देखो रिवेलिंग तो कुछ क्या नहीं ना सकते, एडजेक्टिव, ये आई एन जी फॉर्म है तो हो सकता है वर्ब हो, वहाँ पे आई एन जी फॉर्म है तो हो सकता है जेरंड हो, आई एन जी फॉर्म है तो हो सकता है एडजेक्टिव, तीन तरह से आई एन जी फॉर्म काम करेगी, तो इस तीनों में से कोई होगा तो एडजेक्टिव कहना उचित नहीं होगा। साइनो होगा मीनिंगफुल, एक्सप्रेसिव, एलोक्वेंट, इंफॉर्मेटिव, एंटो हो जाएगा मीनिंगलेस। डिसपॉइंट, डिसपॉइंट मतलब क्या होता है, बेचैनी, अनईज, अनईजीनेस, रॉन्ग, एंजाइटी, अनसीसियस, एंटो क्या हो जाएगा काम, तो ये आपका हो गया एंटो साइनो। अभी चलो अभी लैगिंग, लैगिंग के साथ क्या लगेगा, बिहाइंड, पीछे होना, लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे
होना, मॉडरेट याद रखना मॉडरेट धीमा होना, एंड हो जाएगा फास्ट रिपीट ब्रीफ याद रखना ये इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड मतलब क्या, प्रभावित होना। तो इम्बैडेड, इन ट्रेन चेंड, इम्बेडेड, इम्प्लांटेड, एंड तो क्या हो जाएगा लूज, इनसिक्योर, डिटेक्ट और अनसिक्योर। एलिवेटेड, अब एलिवेटेड को एडजेक्टिव कहना उचित नहीं होगा, हो सकता है ये V2 हो सकता है ये V3 हो सकता है ये एडजेक्टिव हो, तो आप यहाँ पे नहीं कह सकते। एलिवेटेड मतलब ऊपर रहना। अब देखो एंटो है साइनो रेज्ड, अनरेज्ड, अपलिफ्टेड, हाई, एलूफ याद रखना, एरियल। एंटो हो जाए संकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉर्ड, लॉ लाइंग और अनडिग्निफाइड ये हो गया। मॉडरेट, मॉडरेट मतलब होगा ना आसान होना ना भारी। क्वेश्चन कैसा आया था सर, मॉडरेट आया था, ना टफ था ना आसान था, क्लियर। तो ये होता है मॉडरेट। हाँ मॉडरेट, अवेट कम जाना, लेट अप, लेसन, डिक्रीज, डिमिनिश अच्छा से, स्लैकन याद करना। एक्सबरेट, एक्सबरेट मतलब क्या, बढ़ा चढ़ा देना, एक्सबरेट ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रेंड, ट्रेंड मतलब रुझान, किस तरह की प्रवृत्ति चल रही है, फैशन चल रहा है वही है। तो टेंडेंसी, मूवमेंट, लीफ, स्विंग, स्विफ्ट, कोर्स, एंड तो हो जाएगा स्टैंडर्ड, क्लासिक, व्हाट, सन, साई ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्टे, बर्निंग, वर्नली। अब देख लो सबसे पहले ये एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे एडवर्ब हो जाएगा, नाउन में एलवाई लगा दोगे एडजेक्टिव हो जाएगा, इसीलिए क्या बना एडवर्ब। इसका मतलब क्या है, युद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके साथ ही ऑब्स्टिनेटली, विलीफुली, इनडिफेक्टिवली, और एंटो हो जाएगा कैजुअल, वियरी, लेजी, ये हमारे क्या थे वर्ड थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ड के साथ जो जो कंसेप्ट आपको दिया गया है वो 100% अपने नोटबुक में क्या करना, लिख लेना। अगला चलो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंटेंस बना है तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, फिर पोजीशन है तो उसके बाद क्या होगा, कंजंक्शन अगर क्लॉज को जोड़े तो उसमें क्या होना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आर्टिकल है तो 100% क्या लेगा, ये सारा कुछ, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आए क्या है, नाउन का पोसेशन किस पे होता है, नाउन का पोसेशन नाउन पे होता है तो मेन वर्ड कौन होता है, ये सारा कुछ अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छे से आराम से एक ही वीडियो में ऐसा कुछ करो, ऐसा इस तरह से पढ़ो कि एक ही चीज़ से हमारा सारा कुछ क्लियर, हजारों कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि हजार वीडियो देख के एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो, मतलब ये करेंगे उसके बाद खुद से करना शुरू करेंगे, क्लियर। चलो जब भी प्रीपोजिशन आ जाए क्या आएगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इन, फॉर, ऑफ, विथ, क्लियर, टू। तो जब भी आ जाए तो उसके बाद आएगा V4 नाउन या प्रोनाउन, क्लियर, यही तीन कंडीशन आएंगे, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगा। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला, सर ये ट्रांजिटिव नेचर क्या है, मतलब अगर वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दिया, जैसे खाना तो क्या खाना, पढ़ना, रीड, पढ़ना क्या पढ़ना, प्ले खेलना तो क्या खेलना, दे रहा जवाब, क्रिकेट खेलना, पढ़ना तो बुक पढ़ना, खाना तो मैंगो खाना, वही रहा स्लीप सोना, तो वो तो जवाब नहीं देगा। क्राई क्या किसे का जवाब नहीं देगा, कहाँ का जवाब नहीं चाहिए, किस पर का जवाब नहीं चाहिए, तो वो हो गया ट्रांजिटिव। अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का निकला, ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, अपना हाँ नाउन और प्रोनाउन हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन प्रोनाउन। अगर नाउन है तो उससे पहले आप जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं वो एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भी एडजेक्टिव आएगा उस नाउन के लिए आएगा और किसी के लिए नहीं आएगा, क्लियर। तो बोले अगर यहाँ एडवर्ब आया तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आएगा, कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा। सर प्रोनाउन में, प्रोनाउन में मोस्टली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, देख लो मी, अस, देम, हिम, हर, इट, यू, क्लियर। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी बनेगा। अब देखो V4 हो गया, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लिया हमेशा को नाउन प्रोनाउन ये हो गया। अगर प्रीपोजिशन के बाद आए नाउन, तो नाउन से पहले क्या हो सकते हैं, तो सर जितनी मर्जी एडजेक्टिव, अगर बाबू एडवर्ब आ गया तो वो एडजेक्टिव के लिए आएगा, अगर आर्टिकल आ गया तो वो 100% किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। याद रखना जब भी आर्टिकल आए 100% उसका नाउन होगा ही होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगे अच्छे से बुक में, नोटबुक में लिख लेना। ये हो गया प्रोनाउन। फिर प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है प्रोनाउन, तो सर कौन सा केस, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव, तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है,
मी अस देम हिम हर इट यू इस, क्लियर। अब देखो कुछ फॉर, फॉर के बाद भी फोर आएगा तो बिल्कुल आएगा। ट्रांजिटिव नेचर का है पढ़ना, क्लियर है, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं सर, तो 100% क्या आएगा नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा नाउन। अब नाउन कहाँ पे है, यहाँ पे। इस नाउन से पहले क्या दे सकते हो सर, एडजेक्टिव दे सकते हैं, जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाना हम लगा सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। अब देखो बाई अर्निंग लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बाई अर्निंग मतलब कमा के, बाई के बाद क्या होगा वी फोर। अब वी फोर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन नाउन या प्रोनाउन। अब देखो ये ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है नाउन, बोलेंगे सर मनी नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन तो ये होते हैं, तो मनी से पहले क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। बाय अर्निंग व्हाइट मनी, बाय अर्निंग ब्लैक मनी, क्लियर। चलो इन टीचिंग, अब ये भी इन के बाद भी फोर आएगा, क्लियर है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है, बोलेंगे सर नहीं है, तो 100% क्या ले लेगा क्या हो जाएगा नाउन, और नाउन से पहले क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इन टीचिंग गुड स्टूडेंट, इन टीचिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट, इन टीचिंग मतलब पढ़ाने में। ऑफ स्लीपिंग सोने का, तो ये इंट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। फॉर ए स्टूडेंट, फॉर के बाद नाउन है, बिल्कुल सही है, नाउन से पहले क्या डाल सकते हो एडजेक्टिव, सही है। ऑफ फॉर के बाद क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस ऑब्जेक्टिव केस सही, ऑफ के बाद देखो प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव केस गलत, फिर देखो इन के बाद प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव केस गलत, क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा टू, सारे प्रीपोजिशन एक तरफ, टू अलग है। टू के बाद क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे इन्फिनिटिव, वहाँ पे क्या बोलेंगे जेरंड। अब ये इन्फिनिटिव बनता है कैसे, तो वर्ब से। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन नाउन प्रोनाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, तो जितनी मर्जी एडजेक्टिव डालना है आप डाल लो। अगर एडवर्ब आया तो किसके लिए आएगा, तो एडजेक्टिव के लिए आएगा। अगर आर्टिकल आया तो किसके लिए आएगा, तो 100% नाउन के लिए आएगा, क्लियर। याद रखना आर्टिकल है तो 100% नाउन होगा। प्रोनाउन में सर कौन सा केस, तो ये केस देख लो। अब देखो नाउन आया तो नाउन से पहले जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाओ, एडवर्ब लगाओ, फिर आर्टिकल लगाओ। अब देखो प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस। टू रीड, चलिए पढ़ने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा नाउन, क्लियर। टू बाय, टू के बाद वर्ब का क्या है फर्स्ट फॉर्म है, अब बाय ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, टू बाय बुक्स, क्या प्रोनाउन है यहाँ पे, बोलेंगे नहीं सर, तो 100% क्या आएगा नाउन, और नाउन से पहले क्या आ सकता है टू बाय ब्लैक बुक्स, क्लियर। टू रन, अब इंट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट लेगा नहीं। टू ए स्टूडेंट, टू के बाद नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव। टू, हाँ, टू के बाद नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। टू मी सही है, टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस। टू ही गलत है, टू बी गलत है, टू के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन ये प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, अब चलो सेंटेंस बनाने के लिए 100% सब्जेक्ट उसका वर्ब होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस कभी भी नहीं बनेगा। सब्जेक्ट कौन, हमेशा नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन में क्या होगा, तो नाउन से पहले आप एडजेक्टिव डाल सकते हैं, एडजेक्टिव किसके लिए नाउन के लिए। अगर एडवर्ब आया तो किसके लिए, तो एडजेक्टिव के लिए। अगर आर्टिकल आया तो नाउन के लिए, क्लियर। प्रोनाउन में सर क्या करें, ऑब्जेक्टिव केस ले या सब्जेक्टिव केस, तो बिल्कुल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस लोगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। उसके बाद इसका क्या होगा 100% वर्ब, कौन सा वर्ब है, तो देख लो बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो मतलब सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होगा, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब क्या होगा, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, सारा कुछ अभी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, अब चलो जैसे यहां देख लीजिए कौन सा वर्ब है, बोलेंगे सर बी वर्ब, तो देख लो अच्छे से बी वर्ब कौन कौन, आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज। इन सबों के बाद क्या आएगा, तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट वी थ्री वी फोर। सर सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कौन, नाउन पर नाउन और एडजेक्टिव। सर नाउन आ गया तो उससे पहले जितनी मर्जी एडजेक्टिव दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर एडवर्ब दिए तो एडजेक्टिव के लिए आएगा, नाउन के लिए। अगर आर्टिकल दिए तो आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक है। प्रोनाउन और क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, नाउन। इस एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, एडवर्ब। अगर यहाँ एडजेक्टिव आता तो नाउन के लिए आता, लेकिन इस एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, एड वर्ब आएगा। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बी वर्ब के बाद जब प्रोनाउन है तो मोस्टली क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है।
अब यह क्या है, बी वर्ब के बाद भी थ्री, जब भी बी वर्ब के बाद आ जाए भी थ्री समझ लेना पैसिव। क्या समझ लेंगे? पैसिव। इसका मतलब होगा जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा। सर रिसीवर क्या, डूअर क्या? डूअर जो काम करता है, और रिसीवर जिस पर काम होता है। अभी जैसे देख लो, आई एम सेलेक्टेड, अब कहते हैं यहाँ पे बी वर्ब है, देख लो एम, ठीक है, बी वर्ब के बाद भी थ्री आया, इसका मतलब मैं सेलेक्ट करता नहीं, अगर करता तो डूअर होता, लेकिन मुझे सेलेक्ट किया जाता है, मतलब ये क्या हो गया, रिसीवर, यही रिसीवर हो गया, जिसका मतलब इसे मुझे ही सेलेक्ट किया जाता है, मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ, अगर मैं सेलेक्ट करता तो डूअर हो जाता, क्लियर। उसके बाद है देखो वी फोर, आई एन जी फॉर्म, अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो ऑब्जेक्ट लेगा, होगा कौन, नाउन पर, नाउन पर, नाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस, याद रखना ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। थोड़ा सा खिचड़ी बना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। चलो अब देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आर है बी वर्ब, बी वर्ब के बाद नाउन आया, बिल्कुल सही है, दे आर ए स्टूडेंट, अभी नाउन से पहले क्या लिख सकते हो, तो एडजेक्टिव, दे आर गुड स्टूडेंट। इट इज आई, आई आई सब्जेक्टिव केस आया, बी वर्ब है, प्रोनाउन है, सही है। आई एम पुअर, एम के बाद एडजेक्टिव आया, बिल्कुल आ सकता है, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या, नाउन, एडजेक्टिव के लिए क्या है एडवर्ब। आई एम सेलेक्टेड, बी वर्ब के बाद क्या है वी थ्री, तो मैं सेलेक्ट करता नहीं, मुझे सेलेक्ट किया जाए। दिस कार इज सोल्ड, बी वर्ब के बाद क्या है वी थ्री, मतलब यह कार बेचता नहीं, बेचा जाता है। यू आर अरेस्टेड, अब देखो तुम अरेस्ट करते नहीं हो, किए जाते हो। दे आर सोल्ड, अब देखो तुम बेचते नहीं, तुम्हें बेचा जाता है। दे आर सेव्ड, तुम बचते बचाते नहीं हो, तुम्हें बचाया जाता है। आई एम रीडिंग, एम के बाद वी फोर, बिल्कुल सही सर, अब ये वी वर्ब है, ये वी फोर है ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा नाउन, आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, क्लियर। दे वेयर प्लेइंग, वेयर के बाद क्या है वी फोर, अब देखो वेयर के बाद वी वर्ब के बाद वी फोर आया, ठीक है, प्लेइंग ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, क्या प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा नाउन। यू आर कुकिंग, यू आर कुकिंग व्हाट, तो फूड, क्लियर। आई एम रॉन्ग, याद रखना बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं होता, और एडवर्ब नहीं होता, और इसी पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जो नहीं होगा उसी पे क्वेश्चन आएगा, जो होगा वो नहीं आएगा। अगला चलो देख लो, हैव वर्ब, हैव वर्ब कौन कौन है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, इसके बाद क्या आएंगे वी थ्री या वी फोर, वी थ्री ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, सर बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मतलब मी, अस, देम, अगर नाउन है, नाउन है तो उससे पहले क्या आ सकता है सर एडजेक्टिव, जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाना, एडजेक्ट, अगर एडवर्ब आएगा तो किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, अगर आर्टिकल आया तो ठीक नाउन के लिए, क्लियर, क्योंकि आर्टिकल आता है 100% नाउन आएगा। अब देखो हैव है, हैव के बाद क्या हुआ वी थ्री, क्लियर, अब वी थ्री है ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो क्या प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा नाउन होगा, क्लियर। अब नाउन में देखो नाउन होगा, आर्टिकल है तो हमेशा नाउन, नाउन है तो उससे पहले क्या सकता है एडजेक्टिव, आई हैव ए कार, बिल्कुल सही, हैव के बाद क्या है तो नाउन है, सही है। आई हैव रीडिंग, गलत हो जाएगा क्योंकि हैव के बाद ना वी थ्री है ना नाउन है, क्लियर। चलो आगे अगला देखो मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा मॉडल कितने होते हैं 13, उनके बाद क्या आएगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस ऑब्जेक्टिव केस, जब भी मॉडल आए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब देखो यहाँ पे मॉडल है उसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है क्या नहीं, तो 100% क्या होगा नाउन, आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या होगा नाउन, और नाउन से पहले तो एडजेक्टिव होगा। आई कैन रीडिंग, गलत हो जाएगा, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, शुड, शुड के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सही है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या नहीं, तो 100% नाउन है। द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, ये एडजेक्टिव मत समझना। वुड गो टू पटना, बिल्कुल सही है। अब देखो जब भी मॉडल आ जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलेंगे मेन वर्ब, और बीच में आपका हो जाएगा एडवर्ब, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। आई कैन ऑलवेज प्ले ए गेम, क्लियर।
तो ये याद रखना। आगे चलो, ट्रांजिटिव वर्ब अभी बताया, वर्ब से क्या दे, व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, ऑब्जेक्ट ले, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन, जैसे मदद करना तो किसका, मोहन का, खिलाना किसको, काऊ को खिलाना, कट काटना किसको काटना, तो पेड़ को काटना, प्ले खेलना क्या खेलना, वो हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट लेगा हमेशा। इनट्रांजिटिव जो जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, मतलब नाउन व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगा, नाउन प्रोनाउन नहीं लेगा, जैसे हंसना क्या किसी का जवाब नहीं देगा, किस पर का जवाब नहीं चाहिए, सोना क्या किसी का जवाब नहीं देगा, क्लियर। तो ये इंट्रांजिटिव। थर्ड डाई ट्रांजिटिव ऐसे होंगे जो व्हाट का भी रिप्लाई देंगे और हुम का भी रिप्लाई देंगे, जैसे ही गेव मी ए बुक, अब व्हाट का रिप्लाई दिया बुक और मी ये हुम का रिप्लाई दिया मी, क्लियर, तो वो होगा। अब देखो आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, बोलेंगे सर नाउन। सर कैसे पहचाने कि नाउन है, क्या इसके ठीक बगल वाला ले ले, नहीं, उसके बाद हो सकता है कॉमा, फुल स्टॉप, प्रीपोजिशन, कोई वर्ब या कंजंक्शन मोस्टली, या कोई रिलेटिव प्रोनाउन बोल लो, क्या ये हो सकता है, तो समझ जाना लास्ट वाला नाउन, उससे पहले ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन के लिए नहीं, एडजेक्टिव के लिए नहीं। सर टी आई वन लगा हुआ नाउन होगा, बिल्कुल नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, याद रखना। ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते वो क्या है जब तक सेंटेंस में यूज ना हो, क्लियर, तो ये होगा। अब देख लो आर्टिकल है तो मान लो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब। अब बोले एडवर्ब किसके लिए, तो इस एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव किसके लिए, इस नाउन के लिए, ये बात क्लियर, तो बोलेंगे सर क्लियर। आर्टिकल आए तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। चलो आगे देखो, ठीक उसी तरह पोसेसिव एडजेक्टिव, जब पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे देखो माई, यहाँ पे हो सकता है कॉमा, फुल स्टॉप, या हैव, या फिर कोई कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जितनी मर्जी एडजेक्टिव डालना कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हिज है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए आएगा, तो एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए कभी नहीं। हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, क्लियर। तो ये जो भी डाउट हो ना तो वो बता देना टेलीग्राम पे, उसको क्लियर करेंगे। टेलीग्राम चैनल भी क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, और नाउन से पहले बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं, जैसे थ्री है एडजेक्टिव, तो नाउन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अब ये सारे एडजेक्टिव हो गए, क्या ब्यूटीफुल टॉल के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए है, चाइनीज है, ब्यूटीफुल तो है लेकिन ब्लैक है, तो आप लोग देखिए भाव दीजिएगा नहीं, क्लियर। एडवर्ब, अब देखो एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, तो एडवर्ब, याद रखना एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, एडवर्ब, और नाउन के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करती है, दो वर्ड को जोड़ती है, बिल्कुल सही, दो क्लॉज को जोड़ती है, क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस मतलब उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन, अब वर्ब कौन सा, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव, फिर इधर भी होगा नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, और ये हो जाएगा बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब। तो आपके जब भी कंजंक्शन है तो आपके लिए क्या चैलेंज होगा, दोनों तरफ हमको क्या करना है, खोजना है क्या आपको सब्जेक्ट वर्ब, जैसे कंजंक्शन आया तो इधर भी खोजना है सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी देखना है सब्जेक्ट वर्ब, जैसे यहाँ कंजंक्शन आया तो यहाँ भी देखना है सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी देखना है सब्जेक्ट। अब बताना रिच पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव, काम क्या कर रहा है, रिच और पुअर, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर रियली देखते हैं कि इन्वॉल्व हैं, जान रहे हैं, तो करना, और थोड़ा सा देखो अगर अच्छा लगे ना तो ज़रूर से ज़रूर इसको क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना और लाइक कर देना। ये थोड़ा सा क्या है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा क्या समय की डिमांड है और ज़रूरत भी है अभी। अब चलो डैट है कंजंक्शन, तो इधर भी देख लो सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी देख लो सब्जेक्ट वर्ब। हाउएवर है कंजंक्शन, तो इधर भी देखना सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी देखना सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन ये गलत है क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, दूसरा कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो वी फोर, हमेशा याद रखना वी फोर तीन काम करेगा, कौन कौन, तो एक वर्ब बनना, एक जेरंड बनना, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब कब रहेगा, जब उससे पहले इज आ रहा है, मोज बेयर हो, वर्ब है नहीं है तो हटा दो उसको, उसको छोड़ दो, क्लियर। अब बना जेरंड, जेरंड में क्या क्या बन सकता है, तो सब्जेक्ट बन सकता है,
सब्जेक्ट का 100% क्या होना चाहिए, वर्ब। समझ जाना आईएनजी फॉर्म हमारा क्या है, जेरंड है। ऑब्जेक्ट तो इससे पहले क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो इससे पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। नाउन का पोसेशन किस पे होता है, नाउन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आईएनजी फॉर्म। जैसे राम्स गोइंग, राम्स क्या हो जाएगा, गोइंग। तो ये हो जाएगा जेरन। तो जेरन जब भी निकालना है इस पांच फॉर्मूले से निकाल लेना, वर्ब निकल जाएगा। अगर वो दोनों ना हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे देख लो अब एग्जाम्पल, अब कहते हैं आई एम रनिंग, अब रनिंग क्या हो जाएगा सर, वर्ब। क्यों, क्योंकि आई एम लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस है, तो इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सब्जेक्ट और एक वर्ब। वर्ब कौन है, ये। तो इससे पहले ही सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है नहीं तो इसी को नाउन बनना पड़ेगा, तो इसी को जेरन बनना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेरन। अब रनिंग है और इज है, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन है, नहीं। इसका मतलब ये वर्ब है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा सुनो, इज आ रहा है वाज वेयर है, तो बोलेंगे नहीं सर, तो वर्ब नहीं। अगर मान लो इसको सब्जेक्ट बनाए, तो ये एक सब्जेक्ट दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, नहीं सर। ऑब्जेक्ट क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं। क्या इससे पहले प्रीपोजिशन, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव, नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे, नहीं। इसका मतलब ये जेरंड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सारे तरीके आपको बता दिए, ये मेरा क्या जेरंड होगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। ये मेरा जेरंड होगा, क्योंकि इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये मेरा जेरंड होगा, क्योंकि नाउन का पोसेशन नाउन पे है। तो सारा कुछ क्लियर हो जाए। अब चलो वी टू वी थ्री क्या लगे, सेम। तो हमेशा याद रखना वी थ्री को यहाँ से क्या करना, अलग कर देना। वी टू है, अगर वी टू है या वी थ्री है, सब्जेक्ट तो होगा, क्योंकि क्या वर्ब है, और उसके बाद क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलोगे। अब देखो द कार डिमांडेड फॉर द रैली, अब ये दोनों को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन है, नहीं। ये तो वर्ब होगा, लेकिन ये वर्ब ना हो पाएगा, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। जब वर्ब ही नहीं है तो एडजेक्टिव बन जाएगा, वी थ्री तो होगा ही नहीं, वी टू भी नहीं होगा, क्लियर। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, जब भी पास्ट पार्टिसिपल बने तो ऑब्जेक्ट नहीं, उसका ऑब्जेक्ट यही रहता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आगे नहीं लेगा। या तो कहते द डिमांडेड कार, द कार डिमांडेड, अब मीनिंग क्या हो जाएगा, द कार डिमांडेड, जो डिमांड किया गया था। शोल्ड और वर्क, अब देखते हैं बाइक का क्या है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि वर्क्स तो क्या करेगा, वर्ब होगा, शोल्ड आपका वर्ब नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा एडजेक्टिव, इज आ रहा है वाज वेयर नहीं है। और अगर वी टू बनाते हो तो इसको बनाओगे सब्जेक्ट, इसका बन जाएगा दो वर्ब, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं। ये तो ट्रांजिटिव नेचर का है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका वर्ब है, ये आपका, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। सेव, अब देखो ये भी नहीं है, प्लेट, अब ये देखो वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे देखो सेव, अब ये सेव्ड का ऑब्जेक्ट ये उधर रहता है, क्लियर, इधर रहता है सेव्ड का ऑब्जेक्ट इधर, तो इससे क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। अरेस्टेड फिर हो जाएगा क्या, कॉल्ड आवर पेरेंट्स, तो ये हो जाएगा वर्ब, ये क्या, पास्ट पार्टिसिपल। फिर वही अरेस्टेड वाज सेंड, ये वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट नहीं लेता, उसका ऑब्जेक्ट इधर रहता है, क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे चलो वी थ्री या बाय वी थ्री, याद रखना दो काम करेंगे, कितने काम, दो काम, कौन कौन, एडजेक्टिव और वर्ब बनना, वर्ब इस तरह से निकाल देना। अब देखो यहाँ गिवन है, आवाज है, तो बहुत आसान है, क्या इससे पहले ये कुछ है, इज आ रहा है वाज वेयर हैज हैव, नहीं तो एडजेक्टिव हो जाए। क्या है दोनों से पहले, नहीं तो एडजेक्टिव, नहीं तो एडजेक्टिव, नहीं है तो एडजेक्टिव, बाय है तो यह वी थ्री, लेकिन क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये सब है। अगला देखो, नाउन का पोसेशन किस पे होगा, नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, लास्ट वाला। सब्जेक्ट किसको बनाओगे, तो लास्ट वाले को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट वाले को बनाएंगे। अब आठ की लाए तो 100% क्या, नाउन। कैसे खोजेंगे यहाँ पे, क्योंकि नाउन का पोसेशन है तो नाउन खोजेगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव, फिर पोसेशन लगा, तो यहाँ भी नाउन होगा, दो वर्ड है तो लास्ट वाला, क्लियर। तो ये हो गया आर्टिकल है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए, इस एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव नाउन के लिए। फिर पोसेशन है तो नाउन होगा, ये एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मेन वर्ड कौन, बुक। मेन वर्ड कौन, बुक। अगर इज आर लिखना हो तो क्या लिखोगे, कमेंट करके बताना, क्योंकि मेन वर्ड यही है, सब्जेक्ट यही बनेगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिखना है, वो आप खुद समझते हो। चलो आगे देख लो, लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, कौन कौन,
हु व्हिच दैट व्हाट। अब देखो वह हु कौन सा केस, हु कौन सा केस, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस है तो 100% क्या लेगा वर्ब। ये नाम का ये इसके बॉय का पोजीशन क्या है सब्जेक्ट का, तो ये भी क्या लेगा 100% वर्ब। अब सब्जेक्टिव केस ये हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके अनुसार वर्ब लेगा, तो बोलेंगे बगल वाले के अनुसार सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया सिंगुलर हु वर्ब। अब ये भी सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ पे है इज। इज के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन है। ए बॉय का पोजीशन ऑब्जेक्ट, क्या इसको वर्ब चाहिए, नहीं चाहिए। हु सब्जेक्टिव केस है 100, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब होगा। यहाँ पे देखो ये सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर डैट। अब डैट कंजंक्शन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, पोसेसिव ये सॉरी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डोमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे पहचान होगा। सबसे ज़्यादा चैलेंज है सब ये रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन। डैट के बाद देख लेना वर्ब लगा हुआ, समझ जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस होगा तभी वर्ब लेगा, क्योंकि कंजंक्शन तो वर्ब लेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब लेगा नहीं तो सब्जेक्टिव केस। और डैट में ऑब्जेक्टिव केस हो या कंजंक्शन हो, दोनों में क्या ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। अब चलो यहाँ पे बॉय का पोजीशन ऑब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट वर्ब नहीं लेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है। डैट डैट के बाद फिर देख रहे हो क्या वर्ब है, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। अब ये बॉय किसके लिए है, बॉय प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल। ये पोजीशन किसका है सब्जेक्ट का, 100% इसका क्या होगा वर्ब, ऑब्जेक्ट का नहीं। अब ये देखो डैट, डैट हो ये ऑब्जेक्टिव केस हो या कंजंक्शन हो, दोनों में क्या ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। क्लियर, तो ये हो गया होगा क्लियर। आ जाओ अब मेन मुद्दे पे मिलते हैं। अच्छा यही है हमारा एडिटोरियल। सैल्यूटरी रिमाइंडर, सैल्यूटरी मतलब क्या होता है हितकर, रिमाइंडर मतलब याद देना। देखो ऑन के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या होगा नाउन। अब देखते हैं कितने, एक वर्ड दो वर्ड तीन वर्ड, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है तो लास्ट वाला नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। ऑन रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, अब किस पे है रिटेल इन्फ्लेशन डेटा पे है, तो इकोनॉमिक्स का है, बहुत अच्छा है, हो सकता है क्लोज टेस्ट में आ जाए, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता जिस वजह से इस पे क्लोज टेस्ट तैयार नहीं कर पाते, नहीं तो इसी में क्लोज टेस्ट भी तैयार कर देते, MCQs भी तैयार कर देते, सारा कुछ कर देते। फॉर जनवरी, अब फॉर के बाद देखो प्रोनाउन नहीं, भी फॉर नहीं तो 100% क्या होगा नाउन। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है तो 100% एक सब्जेक्ट होगा, वो एक वर्ब होगा, तो इतना बड़ा क्या हो सकता है उसका ऑब्जेक्ट हो, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, फिर कंजंक्शन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, मोस्टली यही रहेंगे। अनइन्फ्लेशन यही नाउन होगा क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब है, इसी को सब्जेक्ट बनना है। शूड, शूड के बाद आँख मुन के बोलेंगे क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। शूड नॉट अंडरमाइन, इन्फ्लेशन जो महंगाई है उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए किसको। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या यहाँ पे, नहीं तो 100% क्या होगा नाउन, एक वर्ड दो वर्ड तीन वर्ड, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, कमजोर नहीं करना चाहिए, ये हो गया क्लियर। अब आपके लिए है थोड़ा सा चलो आप खुद से करो, थोड़ा सा पानी पीने का जरूरत होगी। हो गया, देखते हैं इसमें कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीख पाते हो। चलो अब देखो यहाँ पे फॉर लगा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन, ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव, और यही नाउन बनेगा आपका क्या सब्जेक्ट। क्लियर, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनता नहीं, सब्जेक्ट हमेशा नाउन पर नाउन। फॉर जनवरी के बाद नाउन, इसी डेटा के लिए क्या है प्रोवाइड। अब देखो डाटा सिंगुलर भी होता है प्लुरल, तो इसका मतलब है सिंगुलर वर्ब लिया है तो डेटा यहाँ क्या होगा सिंगुलर। प्रोवाइड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या, बोलेंगे नहीं तो 100% क्या होगा नाउन, ए हाँ नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या नाउन,
कितने वर्ड है, एक दो, तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। सर क्लियर, वर्ब होता है, वर्ब बिल्कुल होता है, यहाँ काम क्या कर रहा है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव भी होता है, तो यहाँ काम क्या कर रहा है एडजेक्टिव का, तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा ये, कभी भी आप ऐसे नहीं चैलेंज कर सकते कि ये मेरा क्या है। एज टू व्हाई, ये क्या काम करेगा कंजंक्शन का, इसका मतलब इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी क्या होगा सब्जेक्ट वर्ब। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अब ये नाउन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, आरबीआई क्या हो जाएगा नाउन, नाउन का पोसेशन नाउन पे, और नाउन से पहले एक दो, दो वर्ड है, दो दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, मेन वर्ड कौन होगा, तो ये कमिटी। क्लियर, ये भी बता दिया है। ऑप्टेड, ऑप्टेड के साथ क्या होगा टू, कब, लास्ट वीक, तो लास्ट वीक लगाई इसीलिए क्या लगा वी टू, लास्ट वीक ऑप चुना था, नॉट ओनली, न केवल, होल्ड बेंच मार इंटरेस्ट रेट, अब न केवल होल्ड, होल्ड हो गया वर्ब, वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, यहाँ पे नाउन मानो, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव, तो होल्ड मतलब रोकना, क्या बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट, न केवल बेंच मार्क इंटरेस्ट को रोकना, बट ऑल्सो चूज न, चूज टू, हाँ चूज न केवल रोकना लेकिन, बट लेकिन क्या किया है, चूज किया है टू रिमेन, रहने के लिए, टू के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टू ऐसा है कि एडवर्ब नहीं लेता, सॉरी रिमेन ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब नहीं लेता, इसको इसके बाद क्या आते हैं एडजेक्टिव आते हैं, जैसे रिमेन हो गया, स्टे हो गया, फील हो गया, कीप हो गया, लुक हो गया, पियर हो गया, सीम, इन सबों के बाद क्या है गेट, बिकम, कभी साउंड, कभी भी एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव, टू रिमेन, और रिमेन के बाद यहाँ आ गया फोकस्ड एडजेक्टिव हो गया, तो उससे पहले ये क्या आ जाएगा एडजेक्टिव से पहले, ये हो जाएगा एडवर्ब। टू रिमेन रहने के लिए क्या रिजोल्यूटली फोकस्ड ऑन, फोकस रहने के लिए दृढ़ता पूर्वक क्या फोकस रहने के लिए, ऑन के बाद वी फोर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो प्रोनाउन नहीं कितने वर्ड है नाउन तो लास्ट वाला नाउन, ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव, ए बी एल ई लगा हुआ है तो एडजेक्टिव, सर प्राइस तो नाउन होता है, काम एडजेक्टिव का कर रहा है, तो अचीव करने के लिए तो कोई अच्छा चीज अचीव करोगे, स्टेबिलिटी, कैसा स्टेबिलिटी, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा दिन तक चलने वाला हो, बहमास की तरह, तो उस तरह से हो, क्लियर, तो ये हो गया आपका ये। यहाँ पे देखो आप नॉट ओनली के बाद आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया, ठीक है, देखो नॉट ओनली के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ क्या गया है सेकेंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि इसमें डबल ओ रहता तभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, तो इस पर थोड़ा सा क्या करना विचार करना, क्योंकि मेरे, हाँ मेरे मामा के घर से तो लिख के आया नहीं है जो हम आपको बता दें, ठीक है मामा जी ठीक कर दीजिए, चलो व्हाइल कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद कहाँ पे होगा, हाँ हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ से व्हाइल द डाटा यही होगा सब्जेक्ट, फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ब्रेस प्राइस गेन, अब यहाँ सारे क्या हो गए, यहाँ पे नाउन, ये सारे क्या हो गए एडजेक्टिव, क्योंकि वी फोर पर नाउन तो दिख नहीं रहा, सोस, अब यहाँ पे डाटा क्या हो गया प्लुरल, क्योंकि वर्ब क्या है प्लुरल, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिख रहा, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या, नहीं सर, इसका मतलब 100% क्या होगा नाउन, आर्टिकल लगा हुआ है तो ये नाउन ये एडजेक्टिव, अब देख लो यहाँ पे वी फोर, अब ये वी फोर क्या वर्ब है, बिल्कुल वर्ब नहीं है भाई, इससे पहले ई जा रहा है मुआजबेर तो है ही नहीं, आईएनजी फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ये जेरंड भी नहीं बनेगा, अब वी फोर के बाद क्या आता है, हैविंग के बाद क्या आता है, या तो वी थ्री, अभी बताया वी थ्री या नाउन, यहाँ पे क्या है तो वी थ्री, हैविंग इज डी मतलब एडजेक्टिव हो गया, हैविंग इजी मतलब क्या हुआ है आसान हो रहा है, फ्रॉम दिसंबर्स इतना, दिसंबर के इतना से टू ए थ्री मंथ लो, अब देखो ए लो, अब देखो थ्री के साथ क्या मंथ में एस लगा नहीं, क्यों, पोजीशन क्या है एडजेक्टिव का है, एडजेक्टिव प्लुरल नहीं होगी, ऑफ 5.10 लास्ट मंथ, कब का बात कर रहा है लास्ट मंथ का बात कर रहा है, इन्फ्लेशन रीडिंग, अब रीडिंग जो माप होता है सो पढ़ना मत समझना, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, फॉर की फूड आइटम, फॉर के बाद नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव,
इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद क्या है तो सीरियल्स वेजिटेबल पल्स। आप देखो हाँ, रीडिंग के लिए ही वर्ब क्या है कंटिन्यू, कंजंक्शन लगा हुआ तो सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू रहा लगातार जारी रहा। टू स्टे, स्टे के बाद देखो फिर क्या आया एडजेक्टिव, स्टे एलिवेटेड, मतलब क्या रहा ठहरा कितना ऊपर पर, एट इतना पॉइंट, इतना इतना, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। डिस्पाइट, अब ऊपर का देखो, डिस्पाइट ऊपर देख रहे हैं सर निगेटिव है, मतलब डिस्पाइट के साथ पॉजिटिव वर्ड जुड़ा होगा। मॉडरेटिंग फ्रॉम दिसंबर, दिसंबर के मॉडरेट होने के बाद, थोड़ा सा आसान होने के बाद, थोड़ा सा सस्ता होने के बाद भी क्या रहा ऊपर ही रहा, इसका मतलब डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाना, डिस्पाइट के साथ, अगर डिस्पाइट के साथ निगेटिव वर्ड है तो उधर पॉजिटिव होगा, अगर डिस्पाइट के साथ पॉजिटिव वर्ड है तो उधर निगेटिव वर्ड होगा, 100% होगा, कंट्राडिक्टरी बात करेगा ये। वीडियो को रोक के करेंगे। एमंग द वेजिटेबल सब ग्रुप, अब जितने भी सब ग्रुप है वेजिटेबल के सब ग्रुप है, एमंग दो से ज्यादा के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या आ गया नाउन या एडजेक्टिव, वेजिटेबल्स ग्रुप। 12 आउट ऑफ 19, अब देखो ऑफ क्या काम कर रही तो सर सिलेक्शन का काम करेगी, और सिलेक्शन का काम करेगी तो नाउन पर नाउन यहाँ क्या होगा प्लुरल, तो यहाँ पे देखो नाउन ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्लियर। ऑफ सिलेक्शन की कहाँ काम करेगी और पोसेशन का, तो 19 में से 12 को चुनना है। मोनिटर बाय, अब बाय से V3 क्या ई जा रहा है मुआजबेर हैज हैव हैड, नहीं सर तो एडजेक्टिव बना दो, ठीक है। तो 12 मोनिटर, जो कि मोनिटर किया जाता है बाय द सेंटर फॉर मोनिटरिंग इकोनॉमिक, अब यहाँ पे ये सारा कुछ नाम है। पोस्टेड, अब इसका क्या है सब्जेक्ट ये हो जाएगा, क्यों ये सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उसको भर से लेना देना नहीं होगा। पोस्टेड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, यही वर्ड नाउन होगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है। इन ईयर, ऑन ईयर, ईयर के साथ ऑन, एक साल में कितने ईयर बोलेंगे एक ईयर, तो ईयर एक बार में दो ईयर होगा नहीं। डोर टू डोर, एक बार में कितने डोर जाओगे एक ही डोर जाओगे तो डोर टू डोर नहीं कहेंगे। पेजेज आफ्टर पेजेज गलत होगा क्योंकि एक बार में कितने पेज, एक पेज आफ्टर पेज। इन ईयर ऑन ईयर, प्राइस गेन लास्ट मंथ फ्रॉम दियर रीडिंग इन दिसंबर, सिग्नलिंग डैट, अब सिग्नलिंग क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्योंकि वर्ब तो है नहीं, क्या वर्ब तो है नहीं, ई जा रहा है मुआजबेर नहीं लगा हुआ, जेरन बनाओगे ये भी नहीं। डैट सिग्नलिंग डैट की फिट कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब। अंडरलाइनिंग ट्रेड इन इन्फ्लेशन, अब देखो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा इन इन्फ्लेशन इज, प्रेजेंटली इज के बाद क्या होगा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। परसिस्टेंटली हाई, जो अंडरलाइन ट्रेड है इन्फ्लेशन में वो क्या है बहुत ही हाई है। परसिस्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परसिस्टेंट मतलब प्रेजेंस होना, वो अभी क्या है हाई है, एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या आएगा एडवर्ब आएगा, क्लियर। बहुत कुछ क्या सिखाएगा, चल देखो सबसे पहली बात है अगर अच्छा लगे तो जरूर से जरूर क्या करना सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना ताकि ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, क्वेश्चन पूछ सके, सारे डाउट क्लियर करो। ओपन चाहे ओपन प्लेटफॉर्म है, सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर करो ताकि जो भी वैकेंसी आए SSC में बैंक में तो उसको आराम से क्या है इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सको। मेरा कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि ऐसे ही दिन रात क्या हो जाऊँ पॉपुलर हो जाऊँ। हाँ सीरियस, हुइच, हुइच किसके लिए, इसलिए प्लुरल है तो वर्ब क्या ले लिया प्लुरल, इसका पोजिशन क्या है सब्जेक्ट का तो 100% क्या लेगा वर्ब लेगा, ठीक है। तो इसका वर्ब देखना आगे होगा। हुइच हैव, हैव के बाद देखो क्या है तो सर V3 नाउन, यहाँ पे नाउन आया क्योंकि आर्टिकल है तो नाउन कौन सा ये, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये है सुपरलेटिव डिग्री तो उससे पहले क्या आएगा द। हुच हैव हाई हाई हैवीएस्ट वेट, सबसे ज़्यादा जोर रखता है अनाज इन द फूड ग्रुप, फूड ग्रुप में सबसे ज़्यादा जोर किसका अनाज का। ऑल्सो यही हो गया स्टे, अब स्टे के बाद क्या एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाएगा एडवर्ब, क्लियर। स्टे रहा ठहरा कहाँ पे, स्टक रुक गया थम जाना, स्टेबर्नली मतलब जिद्दी रूप से,
इन ए हायर ट्रांजेक्ट्री, बहुत ही ऊंचे पथ पाद पे, ठीक है। विथ मंथ ऑन मंथ, देखो मंथ ऑन मंथ एक बार में कितने महीने, एक महीना। ऑन इन्फ्लेशन, अब द के बाद ये नाउन, क्योंकि आगे तो फिर पोजिशन तो एडजेक्टिव। फॉर द सब ग्रुप, छोटे ग्रुप के लिए। डैट, अब डैट किसके, अब पहले बता दो डैट क्या है, तो सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, कैसे पता चला, वर्ब है, किसके लिए, सब ग्रुप सिंगुलर है तो वर्ब, जो कि शामिल करता है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो क्या है सर, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, नाउन तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। द की स्टेबल ऑफ राइस बेयरली, अब बेयरली मतलब मुश्किल से, निगेटिव वर्ड है याद रखना, बेयरली, हार्डली, स्कार्टली, रेयरली, ये सारे क्या हो, निगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं, खुद नॉट होती। नजिंग, नजिंग मतलब इनकरेज करना। लोअर मतलब नीचे चला आना, लोअर एट इतना कंपेयर्ड विद दिसंबर 0.76% कंपेयर किया जाए तो। चलो वीडियो को रोक के कर लेंगे। राइस वाज द प्राइमरी ड्रैग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, राइस वाज के बाद क्या था, नाउन, कैसे पता चला, आर्टिकल है तो नाउन ये हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ कॉमा है। विथ हिज प्राइस, इसके साथ, एट नॉन पीडीपी आउटलेट, किसके साथ है, नॉन पीडीएफ आउटलेट। एक्सेलरेटिंग, अब फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्लियर, जो कि एक्सेलरेट हो रहा है, बोथ सिक्वेंशियली एंड ईयर, मतलब दोनों सिक्वेंशियली मतलब सिक्वेंस वाइज, ऑन ईयर बाय कितना, 1.02% एक्सेलरेट हो रहा है। एंड ए सिक्स मंथ हाई, अब देखो सिक्स है, मंथ में एस क्यू नहीं, पोजीशन क्या है, तो सर बोलेंगे एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव क्या है, प्लुरल नहीं होता। ऑफ 13% रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, क्लियर, तो रेस्पेक्टिवली है तो क्लियर हो गया हो। बीथ है रिसेंट सी एस्टिमेट, अब बीथ के बाद ए आर्टिकल, तो ये एस्टिमेट को भर मत मान लेना, क्यों, ठीक है, तो ये आर्टिकल है तो नाउन, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। फॉर रवि शोइंग, अब फॉर के बाद ये नाउन, ये एडजेक्टिव, इसको भी भर मत मान लेना। ऑफ राइस रिवेलिंग, अब रिवेलिंग क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा। रिवेलिंग एट इतना परसेंट ड्रॉप, ड्रॉप मतलब कमी, सर ड्रॉप तो वर्ब होता है, यहाँ पे नाउन है, क्या करोगे, यहाँ पे सेंटेंस में किस तरह से यूज कर रहा है वो, ड्रॉप वर्ब भी होता है, नाउन भी, कैसे पहचानोगे सेंटेंस में। फ्रॉम लास्ट ईयर, कब से, लास्ट ईयर से। द प्रोस्पेक्ट, अब यहाँ पे कोई ना सब्जेक्ट था ना वर्ब था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को कोई वर्ब से लेना देना नहीं है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्राइस सॉफ्टनिंग, हाँ सॉफ्टनिंग, द प्रोस्पेक्ट यही हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट ऑफ प्राइस सॉफ्टनिंग, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये क्या है, एडवर्ब। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में, अब ये आप प्रोस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना। अपीयर्स, अपीयर्स रिमोट, अपीयर के बाद क्या है, एडजेक्टिव, लगता है क्या, बहुत ही कम चांस है, बहुत ही प्राइस को सॉफ्ट होने का बहुत क्या चांस कम है। चलो ये तो हो जाएगा। द डेटा सिंगुलर प्लुरल नहीं बता सकते, ऑन, ऑन के बाद देखो कहाँ पे आया, यहाँ नाउन, तो ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव। डेटा के लिए क्या है, एड मतलब डेटा क्या है आपका, प्लुरल। एड टू द डेटा जो है किस पर, रिजर्वायर शॉर्ट स्टोरेज लेवल पे जो है, एड टू जोड़ता है किसको, द डिसक्वाइंट, अब डिसक्वाइंट मतलब बेचैनी को, मतलब जो निगेटिव चीज होगा वही क्या करेगा, बेचैनी को जोड़ देगा। ऑन द आउटलुक ऑफ फॉर प्राइस, प्राइस के लिए जो आउटलुक है उसके लिए, पार्टिकुलरली ऑफ फूड एंड फूड आइटम, खास करके इसके लिए फूड आइटम्स के लिए, तो उभर निगेटिव चीज था उसमें क्या कर दिया, निगेटिव चीज ऐड कर दिया, तो और क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बीथ द वाटर शॉर्टेज एट 150 रिजर्वायर, एट के बाद ये नाउन, ये एडजेक्टिव, बीथ के बाद नाउन, ये एडजेक्टिव, क्या कोई सब्जेक्ट बनेगा, नहीं सर प्रीपोजिशनल, सोइंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सर एक बार बता दीजिए, ये भर तो पता ही जा रहा है, मुआजबेर नहीं है, जेरन क्यों नहीं है, तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमा है, तो इसको बना दो आप सब्जेक्ट, क्या बना दिए, सब्जेक्ट। अब आगे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भर्ब है इसका, नहीं तो सब्जेक्ट नहीं,
इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, जेरंड नहीं। इसका इससे पहले कोई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेसन नाउन पे है, नहीं। तो कैसे जेरंड बना दे, क्या हो गया, एडजेक्टिव। शोइंग ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो कहाँ पे नाउन, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लाइफ शॉर्टेज। क्या दिखा रहा है, शॉर्टेज दिखा रहा है। एज ऑन, जब भी डेट दिया रहा है तो ऑन लगाना, इन मत लगाना। एट 49% ऑफ कैपेसिटी, कितने कैपेसिटी, 49%। एंड लैगिंग, अब क्या हो जाएगा, एंड किसको जोड़ रहा है, तो सर एंड के बाद देखिए यहाँ पे लैगिंग है, इसका मतलब शोइंग और लैगिंग को जोड़ रहा है। लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे आ जाना, अब ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब। बोथ द ईयर अर्लियर एंड एवरेज ऑफ लास्ट 10 ईयर्स लेवल, मतलब जितना भी एवरेज था लास्ट 10 ईयर का उसके पीछे आ जाना। आउटपुट ऑफ रबी सोन क्रॉप्स, अब ये क्या हो गया, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब आउटपुट ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब देखो सोन मतलब क्या है, रोपा हुआ, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन, एंड मोर पार्टिकुलरली प्लस आर, हाँ, आर एट रिक्स, किस पे है, रिक्स है उस पे। ऑफ, ऑफ के बाद क्या है, वी फोर, देखो वी फोर है, यहाँ पे क्या हो गया, वी थ्री। वी वर्ब के बाद क्या हो गया, वी थ्री, मतलब पैसिव। जो डूअर, ये डूअर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिसीवर। इसमें देखिए, हाँ, आउटपुट, आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या है, आर आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो आउटपुट हो सकता है क्या है, वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, आउटपुट के लिए ई जाना चाहिए था, हर जगह गड़बड़ थोड़ी हो सकता है। चलो अगला देखो, चलो वीडियो अगर सही लगे ना तो जरूर से जरूर क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना यार। वीडियो अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करना बहुत ही क्या जरूरत है, थोड़ी सी समय की क्या है, डिमांड है। गिवेन, यह देखते हुए। फूड लार्ज शेयर, अब नाउन का पोसेसन नाउन, मेन वर्ड यही होगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये होगा नाउन, मेन वर्ड है। गिवेन प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन, मेन वर्ड कौन, शेयर। लार्ज शेयर ऑफ फूड इन द ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट, जितने भी खपत करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फूड का। फूड प्राइस गेन, अब देखो यही हो गया आपका सब्जेक्ट, तो ये नाउन, ये दोनों एडजेक्ट। पोज, तैयार करता है, क्या तैयार करता है, ए बाइडर रिक्स, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन, एडजेक्टिव। देखो प्रोनाउन तो है नहीं, आर्टिकल भी लगा हुआ है। टू ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी, बहुत प्राइस स्टेबिलिटी, जो प्राइस स्थिरता है उसके लिए क्या चले, रिक्स उत्पन्न करता है। बोथ डायरेक्टली और थ्रू स्पिल ओवर, मतलब डायरेक्टली स्पष्ट रूप से, इनडायरेक्टली भी समझ लो। टू द प्राइस ऑफ नॉन फूड आइटम, नॉन फूड जो कि फूड से नहीं बनाया जाता उनके लिए। एज, एज अब देखो, एज प्रीपोजिशन भी कंजंक्शन भी, कैसे पहचानोगे, तो प्रीपोजिशन कंजंक्शन हो तो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब होगा, प्रीपोजिशन हो तो वी फोर नाउन प्रोनाउन। अब देखो ए रिसर्च आर्टिकल बाय आरबीआई ऑफिसर कंक्लूडेड, ए रिसर्च, हाँ, कंक्लूडेड, जैसा कि रिसर्च आर्टिकल कंक्लूड किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक सर्वे, मेन वर्ड ही होगा, ठीक है, नाउन का पोसेसन नाउन पे, सेंट्रल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव नाउन। ऑफ हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये मेन वर्ड कौन होगा, ये। ऑफ के बाद क्या है सर, नाउन, वी फोर प्रोनाउन तो है नहीं। फाउंड, अब क्या मेन वर्ड, ये सब्जेक्ट बनेगा फाउंड, अब फाउंड के बाद यहाँ पे होगा कंजंक्ट डैट, क्यों सर, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं एक सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब है कि दो कंजंक्शन जुड़े हुए हैं, बाय डिफॉल्ट डैट होगा। द मीडियम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये नाउन, ये दोनों। फॉर 3 मंथ अहेड, 3 महीने आगे, रोज, रोज क्या होता है, वी टू, अब ये किसके लिए आया, तो एक्सपेक्टेशन के लिए, रोज बढ़ा बाय इतना, पीपीसी फ्रॉम द प्रीवियस सर्वे, प्रीवियस सर्वे कब हुआ था, इन नवंबर, देखो डेट नहीं दिया तो इन दिया, 29.2%, विद अ ग्रेटर शेयर ऑफ रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट के बहुत ज़्यादा शेयर से, 78.74.2 मंथ एगो, कब था, 2 मंथ है। एक्सपेक्टिंग, अब फिर हो जाएगा क्या,
एडजेक्टिव क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इन्फ्लेशन। टू एसलेट, एसलेट होगा बढ़ेगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन द नियर टर्म, मतलब आने वाले समय में। ये आपका लास्ट है। वीडियो अगर सही लगे तो जरूर से जरूर क्या करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो आपका आते रहेगा, प्रीवियस पेपर का भी डिस्कशन कर लेंगे और इसमें क्लोज टेस्ट भी बनाएंगे। बहुत कुछ करने के लिए क्या है, बहुत कुछ है, करना आप ही को पड़ेगा। हम बस यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भौंक सकते हैं ना। चलो, बिथ टॉक क्या ये सब्जेक्ट बनेंगे? नहीं सर, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, बिथ के बाद नाउन। बिटवीन, अब बिटवीन के साथ देखो एंड आएगा, क्लियर, दो के लिए होता है। गवर्नमेंट एंड सम फार्मर्स ग्रुप्स, अब ये मेन वर्ड होगा यही, ये नाउन का पोजीशन। देखो प्लुरल है तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। ब्रेकिंग डाउन, अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव सर, ये क्या है, नाउन तो होगा नहीं, सॉरी वर्ब तो होगा नहीं, ई जा रहा है मुआजबर नहीं। एंड फार्मर, थ्रेटनिंग, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फार्मर जो कि कह रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। टू एंटेंटी फाइव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बढ़ाने के लिए क्या, तो एनर्जिटेशन, ओवर डिमांड, उस डिमांड पर। डैट, अब देखो डैट के बाद वर्ब आया, मतलब क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव किस चीज के लिए, डिमांड के लिए। डैट इंक्लूड, ट्रांजिटिव नेचर का, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या प्रोनाउन है, नहीं तो 100% नाउन। डैट इंक्लूड ऑन ए गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें शामिल है किस पर, गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, ए आर्टिकल, तो यहाँ पे नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अब देखो ये ब्रेकिंग डाउन यहाँ तक है, इसमें देखो ब्रेकिंग डाउन या फिर थ्रेटनिंग के लिए नीचे कोई वर्ब है, नहीं तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है, नहीं। क्या इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। क्या इससे पहले नाउन का पोसेसन नाउन पे है, नहीं। क्या मतलब है, जेरन ना होगा ना वर्ब, एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। पॉलिसी मेकर फेस, फेस करते हैं, क्या फेस करते हैं, चैलेंज, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, चैलेंज फेस कर। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, अब यहाँ पे भी कंजंक्शन सर कैसे पता चला, क्योंकि इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी एक सब्जेक्ट है। इंश्योर डैट, क्या कर दो, डैट इन्फ्लेशन डज नॉट रिबाउंड, जो इन्फ्लेशन हो वो डज के बाद क्या है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एडवर्ब। तो डज नॉट रिबाउंड मतलब फिर से वो ज़्यादा मजबूत ना हो। एंड अंडरमाइन, अब फिर एंड के बाद देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, यही है, तो एंड क्या हो जाएगा, इसी दोनों को क्या करेगा, जुड़ेगा। याद रखना एंड दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जोड़ता है, साथ में मीनिंग भी क्या होना चाहिए, साइनो होना चाहिए, सेम, रिबाउंड और अंडर माइन, क्लियर। ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना, अभी बहुत ही क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा समय का डिमांड है, क्या करें, तो थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए।